Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, main Zia aur aap dekh rahe hain First Bite TV. बीते कल तक प्रत्याशी जितना शोर और दमखम दिखा चुके थे, अब बारी है उन्हें वोटिंग मशीन में डालने की। कल यानी 11 मई को मेरठ जिले के मतदाता अपनी ताकत का एहसास मतदान में हिस्सा लेकर दिखाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले मतदान से उन प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य तय होगा जो चुनाव में मैदान में उतरे हैं। दूसरे चरण के होने वाले इस निकाय चुनाव के मतदान के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाकर तेज कर दिया है। आज विक्टोरिया पार्क से पोलिंग पार्टियों को अपने सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया है। अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने 9000 पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया है। पोलिंग पार्टियों के साथ ही इनकी भी आज रवानगी हो रही है। बुधवार को विक्टोरिया पार्क में महाकुंभ जैसा नजारा देखने में आया। फर्स्ट बाइट टीवी के कैमरे में तैयारियों के पलों को कैद किया, देखिए। उसकी ईवीएम और मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है, वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क स्थापित कर उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर ले और अपना मोबाइल नंबर सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवश्य दे दें। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि डिस्पैच सेंटर है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% सभी पोलिंग पार्टीज ने अपनी सामग्री ले ली है। 1087 बूथ हमारे नगर निगम में और होपफुली 2 और 3 बजे तक सभी पोलिंग पार्टीज यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगी। और जैसा नगर निगम में है तो हर किसी की दूरी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है और बाकी हम लोगों ने सभी बूथ पर पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त मजिस्ट्रेट सुनिश्चित किए हैं और पूरा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्षपूर्ण तरीके से करवाया। सर, महिलाओं के लिए और विकलांग जो लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, तो इस लिए आप क्या एक मैसेज देना? नहीं, देखिए, सभी बूथ पे हमने ऑलरेडी रैंप की व्यवस्था हो, व्हील चेयर्स के लिए हो, शौचालय, AMF जो भी है व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और सभी बूथ बहुत लोकेलिटी में, बहुत पास में भी है, बहुत पर्याप्त नंबर ऑफ बूथ्स बनाए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा कभी भी बीच में बूथ पे जाके अपना वोट कास्ट करने में। तो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि अपने घर से निकलें और वोट करें। सर, क्या टाइमिंग रहेगी? वह टाइमिंग 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है। जनपद मेरठ में 16 नगर निकाय हैं, इसमें 500 से अधिक मतदान केंद्र और 1400 से अधिक जो बूथ हैं वो बने हैं। इसमें पूरे मतदान केंद्रों पर हर जगह पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। जो संवेदनशील हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पर अतिरिक्त PAC की व्यवस्थापन भी वहाँ पे किया गया है। साथ में हमारे यहाँ QRT क्लस्टर मोबाइल, जोनल पुलिस ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती भी की गई है जिससे कि कहीं मतदान के समय कोई व्यवधान की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसमें कुछ मतदान केंद्रों के बाहर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी जगह जगह की जाएगी और इसमें कहीं पे भी कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। जहां तक चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की बात है तो नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद पर 15, पार्षद पद पर 522, सद्धना में मवाना दोनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद पर 27, सदस्य पद पर 237 व नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर 141 और सदस्य पद पर 763 प्रत्याशी अपनी राजनीतिक किस्मत चमकाने के लिए उतरे हुए हैं। वहीं दूसरे चरण में UP के 38 जिलों में मतदान होना है, यानी कुल 370 निकायों
6,636 वार्डों में 7,006 पदों का चुनाव कराया जाएगा। इसमें 7 नगर निगमों, 590 नगर निगम वार्ड, 95 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, 2,551 नगर पालिका परिषद वार्ड सदस्यों, 268 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3,495 नगर पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।